चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारी ताला नहीं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दीवाने कहाँ चले, 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 ये दीवाने कहाँ चले, कल जो मेयर साहब ने यहाँ धरना प्रदर्शन करा, कल यहाँ लोकतंत्र की हत्या करी है। एक पार्षद क्या बोले, गुंडागर्दी में इतना अतावल है, आए दिन उसकी ये गुंडागर्दी करता रहता है वो। उसके बाद कल यहाँ मेयर साहब यहाँ बैठे, वो दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ज़्यादा। इसलिए आज हम जो पुलिस जो अपना इसका अपना काम कर रही थी, पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा है सत्ता का, और हम उसका खुला विरोध करते हैं। हम ये मांग करते हैं जो कोतवाल को वो कराया उसको वापस करा जाए, नहीं तो फिर आगे आंदोलन फिर करेंगे हम। और आज हमारा जेल भरो का आंदोलन है आज हमारा। भैया भैया हम किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने के लिए अभी, अब आप उसमें क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कहता है कि कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, धार्मिक स्वाद बिगाड़ने वाली बातें की गई हो, कि आप उसको सही से इंस्पेक्ट करेंगे, आपको वहां भी ये चीजें मालूम पड़ जाएंगी कि क्या चीज वहां पे रही, और किसी चीज जो वो गलत रहा, क्योंकि नॉन अवेलेबल धाराएं थी उन धाराओं में, कल को क्या और लोग जाएंगे तो उनको भी इसी तरीके से जमानत मिल जाएगी। एक सवाल, देखिए बाजार क्षेत्र का जो पार्षद है तन्वीर रावत, ये पहले से ही इस तरीके की हरकत करता है, और प्रशासन के पास का पूरा रिकॉर्ड है। इन्हें लॉकडाउन ने भी ये माहौल ख़राब करने की पूरी फिजा बिगाड़ दी थी, लेकिन प्रशासन ने उसे शांत कर दिया गया। और इसी तरीके से अभी बिरयानी की दुकान पे चार दिन पहले वहाँ पे बदतमीजी करी, और अब तो शब्द बोले और धार्मिक हमारी जो है भावनाओं को ठेस पहुँचाई। इसके लिए पुलिस ने जो अच्छा काम करके उसको गिरफ्तार कर लिया था, और भाजपा अपने नशे में यहाँ पे धरने में बैठकर उसको छुड़ा लिया। हमारी मांग ये है कि कोतवाल साहब जो ईमानदारी के साथ प्रशासन ने काम करा, उनकी वापसी होनी चाहिए। जब तक वापसी नहीं होगी हम जेल भरेंगे। आज हम जेल के लिए आए हैं, यहाँ पे हमारे साथ सभी पार्षद हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। Thank you.